गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, बच्चों स्वागत है आपका इस ऑनलाइन वीडियो में। बच्चों आज मैं आपको हिंदी साहित्य में पार्ट 3 चांद वाली अम्मा के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों इस पाठ में एक अम्मा है, बूढ़ी अम्मा है, जिसको आसमान बहुत परेशान करता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए पढ़ते हैं हम अपना पाठ चांद वाली अम्मा। तो देखिए बच्चों, तुम शरारत तो करती ही होगी, कौन कौन सी शरारत करती हो, इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी। ठीक है, तो इसमें बच्चों आपसे कह रहे हैं कि आप लोग घर में कोई शरारत तो करते होंगे ना, तो ये जो नीचे चीज़ें दी हैं ना आपको, ये नाम, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप कैसे शरारत करते हो, जैसे झाड़ू से आप कैसे शरारत करते हो, पंख से आप कैसे करते हो, कागज़ से आप कैसे करते हो, गुब्बारा से आप कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो झाड़ू, जैसे मैं आपको झाड़ू का बता देती हूँ। झाड़ू से क्या होता है, हम कई बार क्या करते हैं, आपकी मम्मी और घर में झाड़ू लगाते हैं ना, तो हम उनको परेशान करने के लिए क्या करते हैं, कई बार कागज़ के टुकड़े फेंक देते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी होता है, ये शरारत हो गई। शरारत में कई बार इधर उधर सामान, फर्श में सारा सामान इधर उधर फेंक देते हैं। ठीक है, जिससे मम्मी क्या होती है, कई बार परेशान हो जाती है ना, तो इसका ऐसे शरारत, कई बार हम क्या करते हैं, कोई शरारत करने के लिए कहीं झाड़ू छिपा देते हैं कि ना मिले। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसी शरारत है। तो बाकी आप अपने आप सोच के लिखेंगे पंख, कागज और गुब्बारा के बारे में। चलिए बच्चों पढ़ते हैं हम अपना पाठ। बहुत समय पहले की है, मतलब बहुत समय, बहुत पुरानी बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी। ठीक है, एक बूढ़ी अम्मा, एक बुढ़िया थी, बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। बिल्कुल अकेली मतलब बिल्कुल अकेली थी वो, उसके साथ कोई नहीं था। ठीक है, उसका अपना कोई ना था, उसका अपना कोई नहीं था। ठीक है, तो वह कैसी थी अम्मा, बिल्कुल अकेली थी। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था। उसे जो घर का कामकाज होता है ना, ठीक है, घर का काम होता है ना, जैसे खाना बनाना, बर्तन धोना, पानी लाना, ठीक है, वह सारा काम खुद ही करती थी, मतलब अपने आप वो करती थी। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, ठीक है, खाना बनाना आदि, तो वह क्या काम करती थी, सुबह उठती थी, कुएं से पानी लाती थी और क्या करती थी, खाना बनाती थी। ठीक है बच्चों, क्यों करती थी वह यह काम, क्योंकि वह क्या थी, बिल्कुल अकेली थी। ठीक है, उसका साथ कोई नहीं रहता था वह। ठीक है, उसके साथ एक परेशानी थी। ठीक है, परेशानी होता है समस्या, एक परेशानी थी। वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती, ठीक है, उसके साथ एक समस्या थी, एक परेशानी थी उसको बहुत। अब वो क्या परेशानी थी, देखो, वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती, जब वो सुबह उठकर घर में साफ़ सफाई, ठीक है, करने के लिए झाड़ू लगाती थी ना, तब तक, ठीक है, तो सब ठीक रहता। जब तक वो झाड़ू लगाती तब तक तो सब क्या रहता था, ठीक रहता था। पर जैसे ही आंगन में जाती, ठीक है, जैसे वो मतलब घर के अंदर झाड़ू लगाती थी तब तक तो सब ठीक रहता था, पर जैसे ही आंगन में जाती, जैसे ही वह आंगन में जाती थी, आंगन पता ना, आगे आंगन, जो खुला आंगन होता है उसको कहते हैं, ठीक है, और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, झाड़ू लगाने के लिए झुकना पड़ता है ना, ठीक है, तो जैसे ही झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। ठीक है, तो जो आसमान, पता है ना बच्चों, खुले आंगन में आसमान ऊपर दिखाई देता है ना, ठीक है, तो वो आसमान क्या करता, आकर उसकी कमर से टकरा जाता। ठीक है, तो ये कहानी है बच्चों आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो वो बूढ़ी अम्मा क्या करती, जैसे ही आंगन में झाड़ू लगाने के लिए बाहर आती तो आसमान आकर क्या करता, उसकी कमर से टकराता, उसकी कमर को ऐसे धक्का मारता, टकराता। ठीक है,
अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। ठीक है, तो अम्मा क्या करती उसको घूर कर, ठीक है, घूर कर पता ना ऐसे चौड़ी आँखों से ऐसे घूर कर देखते हैं ना हम किसी को जब हमें कोई परेशान करता है। ठीक है, तो अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता, फिर वह क्या होता, हट जाता। फिर जैसे ही दोबारा झुकती, फिर वो दोबारा झुकती किस लिए, ठीक है, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। ठीक है, हरकत मतलब जो वो दोबारा से अपना वो कर रहा था ना शैतानी, ठीक है, उसको दोबारा से करता। तो क्या शैतानी कर रहा था वो, वो क्या कर रहा था, जैसे ही अम्मा बाहर आंगन में आती है वो क्या करता है, उसकी कमर को क्या करता है, टकराता है। ठीक है, तो वो जैसे अम्मा उसको पहले घूर कर देखती तो वो क्या होता, दूर हट जाता। ठीक है, फिर वो दोबारा क्या करती, झाड़ू लगाने के लिए झुकती तो फिर दोबारा से वो क्या करता, अपनी यही हरकत को दोबारा दोहराता। ठीक है, दोबारा से उसकी कमर को टकराता। आगे देखिए, एक दिन दो दिन तीन दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। ठीक है, यही क्रम चलता रहा मतलब लगातार यही चलता रहा। एक दिन भी, पहले दिन भी ऐसे ही हुआ, दूसरे दिन भी हुआ, तीसरे दिन भी हुआ, लगातार यही क्रम चलता रहा। ठीक है, अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। ठीक है, तो अम्मा क्या करती, झाड़ू लगाती और उसे क्या करता, तंग करने के लिए आ जाता। तो अम्मा को ऐसे सहा था बहुत, ठीक है, कि मैं एक झाड़ू लगा रही हूँ, जैसे ही वो झाड़ू लगाती, झाड़ू लगाने के लिए झुकती, आसमान पीछे से आकर उसकी कमर को टकराता। ठीक है, तो अम्मा उसे घूर कर देखती, जब वो उसको घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता, लेकिन फिर दोबारा वह यही हरकत करता। ठीक है, तो यह जो सिलसिला है, यह जो क्रम है, वह एक दिन दो दिन तीन दिन लगातार ऐसे ही चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाने आती, वो आसमान उसे तंग करता रहता। ठीक है, आगे देखिए, एक दिन कुएं में पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी से झगड़ा हो गया। ठीक है, अब अम्मा पानी भरने के लिए कहाँ जाती थी, कुएं में जाती थी। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, पानी भरने को, ठीक है, लेकर अम्मा का किसी के साथ झगड़ा हो गया। ठीक है, जो वहाँ की औरतें थी ना, ये दिखाई दे रहा कि अम्मा पानी भर के ला रही है, उनके साथ अम्मा का क्या हो गया, झगड़ा हो गया। ठीक है, अम्मा जरा गुस्से में थी, अब अम्मा क्या थी, बहुत ही जरा गुस्से में थी वह। अब झगड़ा करके तो अम्मा पहले से आई थी, ठीक है, और अब आंगन में जैसे झाड़ू लगाती थी वैसे आसमान क्या करता था, उसको बहुत परेशान करता था। ठीक है, अम्मा जरा गुस्से में थी, वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई। अब वह झाड़ू उठाकर क्या करा उसने, आंगन में जाने लगी और जैसे ही झुकी और जैसे ही झाड़ू लगाने के लिए झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। ठीक है, तो आसमान ने क्या करा, अपनी आदत के अनुसार, ठीक है, उसकी हैबिट बन गई थी ना, आदत बन गई थी ना वो, कि अम्मा को बार बार परेशान करने की, तो उसे बहुत मज़ा आ रहा था परेशान करने में। ठीक है, तो क्या हो गया था, अपनी आदत के अनुसार उसने अम्मा को फिर से छेड़ दिया। ठीक है, फिर से उसकी कमर पे क्या करा उसने, टकरा दिया। ठीक है, या धक्का मारा। ठीक है, आगे देखिए, अम्मा ने आव देखा ना ताव। ठीक है, मतलब ना इधर देखा ना उधर देखा। ठीक है, अम्मा ने आव देखा ना ताव देखा, मतलब ना बिना सोचे समझे होता है ना, मतलब ठीक है, आना ताव देखा और कस कर एक झाड़ू आसमान को मारी। अब जैसे ही वो उसकी कमर पर धक्का लगाने के लिए आया तो अम्मा ने क्या करा, झाड़ू को उसकी कमर पर जोर से मार दिया, कसकर मार दिया। ठीक है, बिना सोचे समझे, आव देखा ना था मतलब बिना सोचे समझे क्या करा, झाड़ू आसमान के कमर पर मार दिया। आसमान झट हट गया, झट मतलब होता है तुरंत, ठीक है, उसी समय। तो जो आसमान है वह उसी समय वहाँ से हट गया। ठीक है, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। ठीक है, परंतु वह अपनी आदत से मजबूर था। ठीक है, दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। ठीक है, अब दूसरी बार क्या करा, अभी तो जब अम्मा ने उसको झाड़ू से मारा तो वो क्या हो गया, तुरंत वहाँ से हट गया, लेकिन
जैसे ही अम्मा ने उसको झाड़ू से मारा वो हट गया। फिर अम्मा क्या करा, अम्मा ने फिर झुककर अम्मा दोबारा झाड़ू लगाने लगी। अब जैसे ही अम्मा ने दोबारा झाड़ू लगाया आसमान फिर पीछे से आया और उसने उसकी कमर पर क्या कर दिया, दोबारा से टक्कर मारी। ठीक है, अम्मा फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से, जितनी अम्मा के पास ताकत थी ना, अम्मा ने उतनी ताकत से उसके ऊपर क्या किया, वार किया। ये देखो बच्चों दिखाई दे रहा ना यहाँ पे, ये आसमान बना रखा है। ठीक है, ये आसमान है, इसको एक बच्चे की वो रूप दी गई है। ठीक है, उसके और क्या है, ये अम्मा है, ये अम्मा का घर है बच्चों, ये अम्मा का आंगन है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ आंगन में अम्मा रोज झाड़ू लगाती है। तो ये जो ये आसमान है, ये आसमान क्या करता है, अम्मा को बार बार क्या करने आता है, परेशान करने आता है। ठीक है, जैसी वो झाड़ू लगाने के लिए झुकती है वो पीछे से उसकी कमर पर आकर क्या करता है, टक्कर मार देता है। और जैसे ही वो उसकी कमर पर टक्कर मारता है अम्मा को क्या हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तो इस बार अम्मा ने क्या किया, बिना सोचे समझे उसको कस कर एक झाड़ू मार दिया। ठीक है, वो अब क्या करा, जैसे ही उसको वह तुरंत वहाँ से हट गया, लेकिन उसके हटने के बाद फिर उसको शरारत सूझी। ठीक है, तो वो फिर से क्या हुआ, उसने अम्मा को दोबारा से टक्कर मारी। ठीक है, अम्मा ने इस बार अपनी ताकत से फिर दोबारा उस पर अपना वार किया। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ मैं आज आपको यहीं तक पढ़ाऊंगी। अब मैं आपको इसके कुछ प्रश्न उत्तर समझाती हूँ। ठीक है, आप उसको अपने ध्यान सुनिए बच्चों। तो आप प्रश्न लिखिए, मैं आपको प्रश्न बताती हूँ। ठीक है, आप प्रश्न लिख के बताइए कि यहाँ पर कौन सा बच्चा सबसे शरारती किसे कहा गया है इस पाठ पे। तो आप लिखेंगे, इस पाठ पे शरारती आसमान को कहा गया है। ठीक है, तो उसको ठीक है, उसको शरारत करने में मज़ा आ रहा है ना। ठीक है, अम्मा को परेशान करने में। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें हमें शरारती किसा गया है, तो इसमें हमें शरारती किसे कहा है, आसमान को कहा गया है। ठीक है, अब आपको इसके ये शब्द अर्थ हैं। ठीक है, शब्द अर्थ में जैसे समय को हम क्या कहते हैं, वक्त, कामकाज को काम, आंगन, बरामदा, आसमान, आकाश, दोहराना, दोबारा करना, आदत, लत। ठीक है, किसी चीज़ की लत पड़ जाना, हैबिट हो जाना। सहित होता है साथ, मजबूर, लाचार, वार, हमला, शरारत, शैतानी, रस्साकसी, आपस में रस्सा खींचते हैं ना। ठीक है, हिस्सा होता है भाग, मदद, सहायता करना, आप देखा नाताव, बिना सोचे समझे ठीक है कुछ भी कर देना। ठीक है बच्चों, ये इसके अति लघु प्रश्न हैं। ये प्रश्न आप अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। इसके बाद बच्चों, मैंने आपको यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हैं, यह आप इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। अब मैं बताती हूँ, आप इसके उत्तर मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप इसके उत्तर लिखिए साथ साथ, जैसे मैं आपको बताती हूँ आप इसका उत्तर मेरे साथ साथ लिखेंगे। ठीक है, तो रिक्त स्थान पहले आप लिखेंगे, रिक्त स्थान भरो। ठीक है बच्चों, तो मैं खाली आपको उत्तर लिख के दूंगी, आप इसको अपनी पुस्तिका में पूरा लिखेंगे। तो घर का डैश खुद अम्मा ही, अम्मा को करना पड़ता था। ठीक है, तो घर का डैश उसे खुद ही करना पड़ता था। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, तो घर का क्या लिखेंगे हम, काम काज। ठीक है, तो हमारे पहले रिक्त स्थान का आंसर ये होगा कि घर का काम काज खुद अम्मा को ही करना पड़ता था। ठीक है, आगे देखिए दूसरा रिक्त स्थान क्या है, वह रोज़ सुबह उठकर घर में डैश लगाती थी। ठीक है बच्चों, तो लिखिए मेरे साथ साथ, तो वह रोज़ सुबह उठकर घर में क्या लगाती थी, क्या लगाती थी अम्मा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, झाड़ू। ठीक है, तो वह रोज़ सुबह उठकर क्या लगाती थी, झाड़ू लगाती थी। ठीक है, अब अगला हम ग है, अम्मा झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी डैश आकर उसकी कमर से टकराता। ठीक है, तो जैसी अम्मा झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी
कौन आकर उसकी कमर से टकराता, तो क्या लिखेंगे इसका आंसर हम, कौन टकराता था उसकी कमर से, आसमान। ठीक है, आसमान ये इसका उत्तर है। अगला हमारा घ है, अम्मा जरा डैश में थी। ठीक है, तो अम्मा जरा डैश में थी, तो अम्मा किस में थी, किस में थी बच्चों, अम्मा, अम्मा को क्या आ गया था, गुस्सा। क्या आ गया था, गुस्सा। जब हमें भी कोई परेशान करता है हमें भी गुस्सा आता है ना, तो इसी तरह अम्मा को भी गुस्सा आ गया था। ठीक है, अगला हमारा देखिए, प्रस्तुत पाठ का नाम लिखिए क्या है। तो प्रस्तुत पाठ का नाम क्या है, चांद वाली, यही है ना बच्चों प्रस्तुत पाठ का नाम, चांद वाली अम्मा। ठीक है, ये हमारा क्या है, पाठ का नाम है। ठीक है, तो ये रिक्त स्थान थे। आगे मैंने आपको क्या दिया है, सही गलत, यह भी आप इसी की सहायता से, इस वीडियो की सहायता से लिखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको उत्तर उत्तर लिख के दे रही हूँ, आप अपनी उस पर पूरा लिखेंगे नोटबुक पे। ठीक है, तो हमारा पहला क्या है, सुबह उठकर अम्मा पानी भरती व खाना बनाती थी। ठीक है, तो सुबह उठकर अम्मा पानी भरती थी और खाना बनाती थी ना। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, क्या लिखेंगे हम इसका, सही। ठीक है, इसका हम लिखेंगे सही, यह सही स्टेटमेंट है हमारी। ठीक है, अम्मा अकेली थी ना, इसलिए वो खुद उठकर खाना बनाती थी और पानी भरती थी। ठीक है, आगे देखिए, चांद सदैव अम्मा की कमर से टकराता था। ठीक है, तो कौन टकराता था अम्मा की, ये गलत है ना, ये क्या है, गलत है। ठीक है, तो अम्मा की कमर से कौन टकराता था, क्या लिखेंगे, आसमान। मैं इसका आपको साथ में आंसर लिख के देती हूँ क्योंकि ये गलत है, तो आप लिखेंगे आसमान अम्मा की कमर से टकराता था। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब हमारा आगे ग देखिए, ग क्या है, आसमान अम्मा को हमेशा परेशान करता था। ठीक है, तो क्या आएगा इसका, ग का, सही है ना, सही है। आसमान, आसमान हमेशा अम्मा को क्या करता था, परेशान करता था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही है। अब घ देखिए, अम्मा ने गुस्से में झाड़ू उठाया व आसमान को दे मारा। ठीक है, तो अम्मा ने गुस्से में झाड़ू उठाया था ना, ठीक है, उठाकर उसने क्या करा, आसमान को मारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा, सही। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह आपके रिक्त स्थान और सही गलत हैं, इसे आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी थी चांद वाली अम्मा पाठ। मैंने आपको नोट लिखकर भी दिया है कि यह स्थान, जो रिक्त स्थान और सही गलत हैं, यह आप इस वीडियो ट्यूटोरियल की सहायता से करेंगे। और बच्चों, आप बिल्कुल अपनी स्वच्छ और सुंदर राइटिंग में नोटबुक में काम कीजिए। ठीक है, और यह कार्यपत्रिका आपकी जमा की जाएगी। इसके साथ मैंने आपको इसकी सबमिशन डेट दी है, आप उसी सबमिशन डेट पर इसे जमा करेंगे, इसे पहले या बाद में नहीं जमा करनी है। ठीक है, तो आपने जो सबमिशन डेट है इसकी, इसकी आपको सबमिशन डेट 4 जून की है। ठीक है, 4 जून को आपने इसको सबमिट करना है। ठीक है, तो आपको इसको 4 जून को ही सबमिट करना है। बच्चों, 75% अटेंडेंस ज़रूरी है, इसलिए अब अपना कार्य आप करके उसे ज़रूर सबमिट कीजिए। ठीक है, बाकी आप, मैं आपको आपकी अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी आगे का पाठ। ठीक है बच्चों, इसके बाद धन्यवाद।